वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। तेरा बाप अब अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है बिजली की, इंडिया में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान के अशराफिया में, हमारे अहले इख्तदार में, गुलामों और कमीनों से हम बात नहीं करते। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देखो भाई साहब, अगर आप अपने आप को समझदार समझते हो, अगर मैं अपने आप को समझदार समझता हूँ, दुनिया अगर अपने आप को समझदार समझती है, तो ये एक बात ध्यान रखना, आप जाहिल हरामी मानुस। और सबसे समझदार अगर कोई है इस दुनिया के अंदर तो वो है लाल टोपी, जेहदी जेधामी। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा इनका तारुफ कराता हूँ। ठीक है, ये ISI के पाले हुए कुत्ते हैं जो हमेशा भारत पे भौंकने के लिए पाले गए हैं। इनका कुल मिला के लक्ष्य यही होता है कि भारत को किस तरीके से टारगेट किया जाए। इनकी जिहादी मानसिकता की वजह से इनको पाकिस्तान मीडिया पे थोड़े दिन के लिए बैन कर दिया गया है, बैरूनी मुल्क की ताकतों की वजह से, क्योंकि ये अपना जिहाद का एजेंडा हमेशा चालू रखता है। तो आज हम थोड़ा लाल टोपी जी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनको उन्हीं के लोग रिप्लाई करें। आपका भाई आपको मिलेगा आखिरी में। इंडिया पर प्रेशर आता, इंडिया पर क्या दबाव डाला हुआ है अभी हमने? ना कोई इकोनॉमिक दबाव है, ना कोई पॉलिटिकल दबाव है, ना कोई मिलिट्री दबाव है, और ना कोई मीडिया का दबाव है। उनकी फिल्में भी खोल दी हमने, उनका तो सारा मीडिया भी हमने कहा, वो हमारे लोग शहीद कर रहे हैं और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप नहीं रोक सकते, वो 100 हमले करेगा, आप 20-30 रोक लेंगे, 70 गुजर जाएंगे, क्योंकि आप बैठ के मार खा रहे हैं। आप बैठ जाएंगे जगह पे, दुश्मन आपको मुक्के मारे, आप 1-2 रोक लेंगे, 10 लगेंगे आपको, बिकॉज यू आर नॉट हिटिंग बैक। पाकिस्तान आ जा, पाकिस्तान इतना अच्छा है ना, छोड़ दे, लानत भेज दे अमेरिका पे, कनाडा पे, बर्तानिया पे, लानत भेज साले काफिरों पे, आ जा पाकिस्तान आ जा। एक तो तेरा ये मामे का लड़का, ये इमरान खान, बंस रोड की चादर, और ये मतलब बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ऊपर से तुम अच्छा सारे नशई, अल्लाह माफ करे, हम पर मुसल्लत हैं। अब वो चाहे हाकिमों की सूरत में हो, अब वो चाहे हाकिमों के चमचों की सूरत में हो, चाहे उसके चेली चापड़ की सूरत में हो। अबे भाई, अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू वहां क्या अंग्रेजों के कुत्ते धुला रही है? ये भी अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इस मुल्क पर एक आंख का आदमी वजीर आजम है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बारात जा कहां रही है। मगरिब के बाद वो आदमी कोई इंटरव्यू देने की पोजिशन में है नहीं। भाई इंडियन आर्मी चीफ अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है तो फिर पाकिस्तान के सिपा सलार को उसके खिलाफ बोलना होता है। ये काम फिर वजारत दाखिला का नहीं है कि उसको जवाब दे, हम मनसब होते हैं ना। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं बलूचिस्तान और गिलगित तोड़ के अलग कर दूंगा और मैंने मशरकी पाकिस्तान भी तोड़ा था और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज है, तो फिर आप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कौन सा फालिज हो जाता है कि वो ये जवाब नहीं दे सकता इंडियन प्राइम मिनिस्टर को? फॉल ऑफ ढाका का जिम्मेदार वो नियाजी, ये आदमी फॉल ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदार बनेगा। ये आदमी चंद घंटे अगर मसनद इख्तदार पे फाइज रह गया तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। अरे देवा, 2007 में CIA ने रिपोर्ट निकाली थी कि 2015 तक हम पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देंगे। आप एटमी ताकत हैं, आप एटम बम बना सकते हो, आदमी को इंसान नहीं बना सकते। यहूदी और इसराइल और इंडिया पाकिस्तान की एटमी रियासत को तस्लीम करेंगे? मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कैसे करें? अब अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे। TTP पे तो आप एटमी हथियार नहीं फायर कर सकते। मैं आपको तो बांग्लादेश ने खार करके रख दिया, कहां उनका टका, कहां आपका रुपया, कहां उनकी एक्सपोर्ट, कहां आपकी एक्सपोर्ट,
कहाँ उनकी फी का आमदनी, कहाँ आपकी फी का आमदनी। चीन 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 की बात करते हैं, मैं एक मॉडल है आपके सामने पड़ा है, किधर गई डेमोक्रेसियाँ सारी, अमरीका शमरीके। आपसे बाद में आज़ाद हुए हैं और आज आप उनके हाथों की तरफ देख रहे हो, उनकी इमदाद पे जिंदा हो, हालांकि कई गुना ज्यादा जबूहाली का शिकार, कई गुना ज्यादा आबादी थी उनकी। वो जमहूरियत की वजह से यहां पहुंचे। खुदा की कसम, इस तरह की जमहूरियत होती 1000 साल भी चीन यहीं का यहीं पड़ा होता। हम कदम कदम पे साजिशों का जिक्र करते हैं। माचिस की डिबिया से छोटा इंग्लैंड था जिसने पूरे बर्रे सगीर पे इसमें से 1000 इंग्लैंड निकलते कब्जा कर लिया, और हम ये कह के निकल जाते हैं साजिश तुम कर लो साजिश। क्योंकि किस इस वक्त आपके पास पेट्रोल आएगा ही नहीं बाहर। सऊदी अरब जितना मर्जी क्रेडिट लाइन आपको देता रहा, जब टैंकर है ही नहीं दुनिया में इस वक्त आपको अनलोड करने के लिए, तो एलएनजी है ही नहीं टैंकर, तो आप कैसे अनलोड करेंगे और मिलेंगे और लेके कैसे आएंगे पाकिस्तान में। नतीजतन पूरे पाकिस्तान में जैसे पिछले साल आपने देखा था कि लाहौर की बड़ी बड़ी आबादियां 10-10 करोड़ के घर हैं, लेकिन लकड़ी पर जला के खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गैस नहीं है। मुल्क के अंदर गैस की लोड शेडिंग, पाकिस्तान के अंदर जो गैस के जखायर थे उनको हमने इस्तेमाल नहीं किया, ज्यादती करके इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया, प्रॉपर नए जखायर नहीं तलाश किए, जो किए उनको हमने निकाले जानबूझ कर। ये स्ट्रैटेजी मुल्क के अंदर भी और आलमी तौर पर भी बनाई गई कि दुनिया में मुल्कों में खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल का और गैस का कहत पैदा किया जाए, जिसको ये कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के क्याम से पहले जो कुछ है हमने इसको तबाह बर्बाद करना है। आलमी निज़ाम नौ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इससे पहले ग्लोबल रीसेट करना चाहते हैं, तामीर नौ जिसको कह रहे हैं, दोबारा से आगाज़ कर रहा है, असर नौ आगाज़ इस दुनिया का जो नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद हुआ था, जिस सारी दुनिया तबाह हो गई और किश्ती से लोग दोबारा शुरू हुए थे। ये कमबख्त, ये पलीत, ये शैतान, ये दज्जाली दोबारा उसी मामले को खुद नाउज़ुबिल्ला अपने आप को खुदा समझते हैं, जिस तरह फिरौन अपने आप को खुदा समझता था। ये चाहते हैं कि हमें दुनिया की आबादी कम करके अपने निज़ाम को खुद अपनी मर्ज़ी से तैयार करेंगे, जिसमें 7 अरब लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, 57 करोड़ लोग काफ़ी है हमारे लिए। इसमें ये हर किस्म के इंसानों को हलाक करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ इस वक्त आपके सामने दुनिया में हो रहा है, अपने आप को तैयार करें। हुक्मरान, हमारा अलमिया यही है कि ये कौम यतीम है आज भी। मकसद आपको यही बताने का था, इस पाकिस्तान को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अल्लाह के अहकामात आप नाजिल कर दें, आप नाफिस कर दें। ये कौम सारी खुशहाली चाहती है लेकिन शरीयत नाफिस करके नहीं, कहती है शरीयत नाफिस ना करो, कुफर, सूद, रिबा, झूठ, मकारी, फरेब, इनकम टैक्स, खून चूसने का निजाम हो और इससे खुशहाली आ जाए मुल्क में, ये अमर महाल है, ऐसे नहीं होगा। हुक्मरान भी सुन लें, कौम भी सुन लें, अगर चाहते हो कि खुशहाली आए अल्लाह के अहकामात पे अमल करो। तुम सिर्फ गुनाहगार होने के बावजूद सिर्फ 2 अहकामात पे अमल करते हो, कुर्बानी पे और ज़कात पे, और देखो उसकी वजह से पूरे मुल्क का निज़ाम चल रहा है, गुरबा की वेलफेयर हो रही है, उनकी कफालत का बंदोबस्त हो रहा है, ये अल्लाह के अहकामात की बरकत। देखो अब जरा सूद खत्म करके देखो, अब कोशिश करो कि तजारत को फरोग दो, कोशिश करो कि मुल्क में रिबा का निज़ाम खत्म करो, कोशिश हुकूमत ये करे कि वो बचत करे, अपने आप को सादा रखे, तो देखें आने वाले वक्त में अल्लाह ताला किस तरह ज़मीन के खजाने खोलता है। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, कौम काफ़ी है संभालने के लिए, लेकिन अगर हुक्मरान पर एतबार, वरना जो कुछ अल्लाह के फैसले वो अब पूरी दुनिया पे नाफिज हो रहे हैं, पाकिस्तान पर भी नाफिज होंगे। आने वाले वक्त बड़े सख्त हैं, अपने आप को तैयार करें इसके लिए। भारत के साथ एक तसादुम भी बिल्कुल तैयार रखा हुआ है, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। उन सारे वक्तों के लिए अपने आप को तैयार रखें, आने वाला वक्त आजमाइशों और मुश्किल का है। अल्लाह पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद तो मैं तो एक यही बोल सकता हूँ कि लाल टोपी जैसे लोग अगर पाकिस्तान के अंदर और 10-20 हो जाए तो पाकिस्तान जहाँ 10 साल में टूटने वाला था वहाँ 2-4 साल में ही टूट टूटा के नक्की हो जाएगा। सही बात है। इन लोगों को ये लगता है कि जैसे ये जो बोलते हैं, ये जो सोचते हैं कि दुनिया के अंदर भी सब लोग वैसा ही सोचते हैं, लेकिन लोग इनके जैसे नहीं सोचते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये एक यही है कि दुनिया रहती है गोल दुनिया में और ये रहते हैं चपटी दुनिया में, बस यही एक डिफरेंस है हमारे में और इनकी सोच के बीच। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा भाई आजकल आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, हम इंतज़ार करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मैं आउट ऑफ जयपुर गया हुआ था, कि मैं आज ही आया हूं और आज पहला वीडियो है और अच्छे से एडिट करने की कोशिश करेंगे। पीछे से नॉइज बहुत आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दिवाली की राम राम सबको। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।